तो दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन की बुक 48 लॉज ऑफ पावर की समरी के इस एनिमेटेड वीडियो में आपका स्वागत है। ये इस वीडियो सीरीज का दूसरा पार्ट है और हमें उम्मीद है कि आपको हमारा पहला पार्ट बहुत पसंद आया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं 13वें लॉ से। तो दोस्तों, लॉ नंबर 13 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जब आप किसी से मदद मांगें तो उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखें। आपको यह पता होना चाहिए कि वह क्या चाहते हैं। जब कॉरिंथियंस और कॉन्सारेंस के बीच में जंग हुई तो उन्होंने एथेनियंस से मदद मांगी। कॉरिंथियंस का एथेनियंस के साथ कई सालों का पुराना रिश्ता था और उन्होंने कई बार एथेनियंस की मदद भी की, जबकि कॉन्सारेंस ने एथेनियंस के दुश्मनों का साथ दिया। कॉर्सारियंस ने एथेनियंस को अपनी स्ट्रॉन्ग नेवी का सपोर्ट ऑफर किया, जिसे वे स्पार्टन्स के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सकते थे। एथेनियंस ने कॉर्सारियंस का साथ देने का फैसला किया क्योंकि कॉर्सारियंस ने उनके सेल्फ इंटरेस्ट का ध्यान रखा था। अगर आप किसी से मदद चाहते हैं और उन्हें यह बताते हैं कि आपने अभी तक उनके लिए क्या क्या किया है, तो मदद करने की बजाय वे आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। अगर आप उन्हें कुछ ऐसा ऑफर करेंगे जिसकी उन्हें इस समय जरूरत है, तो निश्चित ही वह आपकी मदद करने को तैयार हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और मदद के बदले कुछ ना कुछ चाहते हैं, खास तौर पर वो जिसकी उन्हें उस समय जरूरत हो। दोस्तों, लॉ नंबर 14, इसमें रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि दोस्तों की तरह दिखें और जासूस की तरह काम करें। चार्ल्स मॉरिस डी टेलियार्ड पेरिगॉर्ड, जो कि फ्रांस के एक बहुत महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे, अपने विचार कभी किसी को नहीं बताते। वो हमेशा दूसरों को अपने विचार प्रकट करने का मौका देते थे, जिससे कि वे उनके इरादे और उनकी योजनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। वे अपने विचार और अपने गुस्से को छिपाने की कला में माहिर थे। दोस्तों, आज के इस सोशल मीडिया के युग में यह बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई अपने विचारों को छुपाए। हर व्यक्ति अपने विचारों को प्रकट करने का मौका ढूंढता है। लोग अपने आप ऐसे विषयों पर बात करते हैं जिनके बारे में आप उनसे पूछते तक नहीं। वे खुद आपको बताते हैं कि आज उनका दिन कैसे गुजरा। वो लोग जिनसे आप रोज नहीं मिलते, वे अपने बारे में सोशल मीडिया पर बताते हैं कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, वो कहाँ घूमने गए और वहाँ उन्होंने क्या किया। इस तरह लोग अपने विचार और कार्य दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। आप लोगों की आदत का इस्तेमाल करें और उनके कैरेक्टर के बारे में जानकारी हासिल। फ्रांस के राजनीतिज्ञ टैलीरैंड दूसरों की जानकारी हासिल करने के लिए एक तरकीब का इस्तेमाल करते थे। वे कुछ ऐसा बोलते थे जो दूसरों को सुनने में लगे कि वह कोई गुप्त बात कर रहे हैं, और सुनने वालों की प्रतिक्रिया नोट करते थे। ऐसा करने से लोगों को लगता है कि वे सचमुच कोई गुप्त बात बता रहे हैं, और ऐसा करने से लोग अपने बारे में बताने को उत्सुक हो जाते थे। लॉ नंबर 15 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अपने दुश्मनों को पूरी तरह से कुचल दें। लॉ नंबर 15 कहता है कि अपने दुश्मन को पूरी तरह से खत्म कर दें। प्राचीन भारत के मशहूर दार्शनिक कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन के अवशेष आग और बीमारी की तरह होते हैं। अपने दुश्मन को कमजोर समझकर कभी भी नजरअंदाज ना करें, क्योंकि वक्त के साथ साथ वह और भी खतरनाक बन जाता है। कौटिल्य कहते हैं कि दुश्मन सूखी घास के ढेर में अंगार की तरह होता है, जो सुलगकर पूरी घास को जला सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई मिलिट्री का सैनिक नहीं हूं या कोई युद्ध का योद्धा नहीं हूं, तो मैं अपने दुश्मनों को कैसे मार सकता हूं? इस लॉ का मतलब यह नहीं है कि आप अपने दुश्मन का कत्ल कर दें। असल में यहां दुश्मन का अभिप्राय आपके प्रतियोगियों से है। इसका मतलब यह है कि आप अपने प्रतियोगी पर हमेशा हावी रहें। दोस्तों, जैसा कि आप सब किसी न किसी जगह काम कर रहे होते हैं, तो अपने ऑफिस में अपने साथ काम करने वालों को चतुरता से मात दे सकते हैं। हमेशा अपने प्रतियोगी से एक कदम आगे रहें और उनसे बेहतर काम करके दिखाएं। अपने प्रतियोगियों को कभी अपने से आगे निकलने का मौका ना दें। दोस्तों, सिर्फ प्रतियोगी ही नहीं, आपके लक्ष्य भी आपके दुश्मन हो सकते हैं, क्योंकि जब हम कोई बहुत बड़ा लक्ष्य बनाते हैं और उसे हासिल करने के लिए पूरी कोशिश नहीं करते, तो वही लक्ष्य हमारे रास्तों में मुश्किलें खड़ी कर देता है और हमें दुश्मन की तरह लगने लगते हैं। आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए हर दिन लगातार कोशिश करनी होगी और उस दिशा में कदम उठाने होंगे, तभी आप अपने लक्ष्य रूपी दुश्मन को कुचल पाएंगे, क्योंकि जब बड़े लक्ष्य होते हैं तो उन्हें पाने के लिए कार्य भी बड़े स्तर पर करना पड़ता है।
लॉ नंबर 16। तो दोस्तों, कभी कभी यह आपने भी महसूस किया होगा कि अगर आप किसी पार्टी में थोड़ा देर से जाते हैं तो आपकी महत्वता बढ़ जाती है। रॉबर्ट ग्रीन 16वें लॉ में कहते हैं कि प्रतिष्ठा और आदर बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करें। जितना आप लोगों को नजर आएंगे और सुने जाएंगे उतने ही साधारण लगेंगे। किसी भी प्रसंग की शुरुआत में आपको अपनी उपस्थिति को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर आप बहुत जल्दी गायब हो जाते हैं तो भुला दिए जाएंगे। जब आपके प्रेमी के मन में आपके प्रति प्रेम की भावनाएं जाग जाएं तो आपकी अनुपस्थिति उसे और बढ़ा देगी। लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इस लॉ को समझाने के लिए मैडम गुलेमा और उनके प्रेमी सर गुलेमे का उदाहरण दिया है। मैडम जितना आगे बढ़ती थी उतना ही वह सर के लिए उपलब्ध रहती थी और साधारण लगती। सर के पास कल्पना करने के लिए कुछ नहीं था। जब मैडम ने अपने प्रेमी से मिलने से मना कर दिया तब उसे उसकी कमी का एहसास हुआ। वह उसे दिल से सराहने लगा और उसे वापस लाने के बारे में सोचने लगा। इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि दूसरों की नजरों में अपना आदर और सम्मान बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति को आप एक शक्तिशाली हथियार की तरह इस्तेमाल कर सकते। यह लॉ आर्थिक विज्ञान के आपूर्ति के मांग और लॉ की तरह है। जो चीज बाजार में प्रचुर मात्रा में होती है उसकी कीमत कम हो जाती है, और जिस चीज की बाजार में कमी होती है उसकी कीमत बढ़ जाती है। दोस्तों, जहां आपकी उपस्थिति ज्यादा होगी वहां लोग आपको नजरअंदाज कर सकते हैं। इसलिए अपनी प्रतिष्ठा और आदर को बढ़ाने के लिए अपनी अनुपस्थिति का प्रयोग करना सीख। इस लॉ का प्रयोग करने के लिए आप अपने ऑफिस में अच्छा काम करके दीजिए। इससे आपकी प्रतिष्ठा बनेगी और उसके बाद आप कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लीजिए और आप देखेंगे कि वापस आने पर आपका पहले से ज्यादा आदर और सम्मान हो रहा होगा। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं 17वें लॉ की। आपको अपने आप को अनप्रिडिक्टेबल यानी अप्रत्याशित बनाना हो। दोस्तों, अक्सर लोग आपके व्यवहार और आदतों को जानते हैं और उसका फायदा उठाते हैं। इससे चतुर लोग आपके हर काम से पहले ही अंदाजा लगा लेते हैं। जब उन्हें यह पता होता है कि आप क्या करने वाले हैं तो वो अपनी चाल चलते हैं। किताब में रॉबर्ट ग्रीन ने स्पेन के एक मशहूर आर्टिस्ट पाब्लो पिकासो का उदाहरण दिया। पिकासो जब बहुत मशहूर और बड़े आर्टिस्ट बन गए थे तब वह एक ज्यूइश और अमेरिकन संगीतकार पॉल रोजनबर्ग के साथ काम कर। एक दिन अचानक उन्होंने पॉल रोजनबर्ग के साथ काम करने से इनकार कर, जिसका पॉल को जरा भी अंदाजा नहीं। पॉल ने पिकासो को ज्यादा पैसे देने का फैसला किया। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब लोग आपकी आदतों और आपके व्यवहार को अच्छी तरह जानते हैं तो वे जल्दी ही समझ जाते हैं कि आप क्या करने वाले हैं और आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र बना सकते। जब आप अपने आप को अप्रत्याशित बना लेते हैं और ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिसकी लोगों को उम्मीद नहीं होती तो वह आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इस बात के लिए वे पहले से तैयार नहीं होते। पिकासो ने ठीक ऐसा ही किया और रोजनबर्ग उन्हें ज्यादा पैसे देने के लिए मजबूर हो गए। आपका अप्रत्याशित व्यवहार और भी कई तरीकों से काम करेगा जिससे आपको बहुत फायदा हो सकता है। शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने आप को अप्रत्याशित बनाएं। दोस्तों, इन वीडियोस को आप तक लाने में हमें बहुत मेहनत और बहुत ज्यादा समय लगता है, तो अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल ब्रेन बुक को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो उन पर लाइक, शेयर या कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल ही नहीं। आपका प्रोत्साहन हमें और ऐसे वीडियोस को आप तक लाने में मदद करेगा। दोस्तों, लॉ नंबर 18 में रॉबर्ट ग्रीन अलगाव की बात करते हैं और यह बताते हैं कि अलगाव यानी आइसोलेशन कितना खतरनाक हो सकता है। अपने बचाव के लिए किले ना बनाएं, अलगाव खतरनाक है। जब आप दुनिया से अलग होते हैं तो आपको धोखा देना उतना ही आसान होता। जब कोई आपको अपने दोस्तों और परिवार से अलग करने की कोशिश करता है तो वह आपको अपने वश में करना चाहता है, चाहे वह ऐसा जानबूझकर करे या अनजाने में। ऐसा करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है, इसलिए आप अपने दोस्तों और परिवार से लंबे समय तक अलग ना रहें। शायद आप ये ना जानते हों, लेकिन परिवार और दोस्तों को अपने से दूर करके आप अपना नुकसान कर सकते। दोस्तों, यह दुनिया खतरनाक है और दुश्मन हर जगह है, इसलिए हर किसी को अपना बचाव
करना पड़ता है। दुनिया से दूर जाकर कहीं छिप जाना सुरक्षित लगता है, लेकिन अलग होने से खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आपको जरूरी सूचना नहीं मिलती और पता नहीं चलता कि बाहर क्या हो रहा है। ऐसा करना आपको विशिष्ट बनाता है और आप आसानी से दुश्मन की नजर में आ जाते हैं। बेहतर होगा कि आप अपने दोस्तों और परिवार के बीच में रहें। सबके साथ रहने से आप दुश्मन की नजरों से बचे रहते हैं। अक्सर देखा जाता है कि बहुत से कलाकार और वैज्ञानिक अपनी रचनात्मकता को बढ़ाने के लिए अकेले रहते हैं। ऐसा करके वे शोर शराबे में पड़ने से बच जाते हैं और उनकी रचनात्मकता बढ़ जाती है। वह आराम से अपने प्रोजेक्ट पर काम कर पाते हैं, लेकिन वह लोगों से और अपनी संस्कृति से अलग हो जाते हैं और संभावित खतरों का ध्यान नहीं रखते। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं तो कोई राजा नहीं हूँ, ना मैं किसी किले में दुनिया से अलग होकर रहता हूँ, तो ये लॉ मेरे ऊपर कैसे लागू होता है। दरअसल यहाँ बात सिर्फ शारीरिक अलगाव की नहीं हो रही, बल्कि मानसिक और भावनात्मक अलगाव की हो रही है। अगर आप अपने दोस्तों और परिवार के बीच में रहते हैं, लेकिन उनकी बातों का या अपने ऑफिस में काम करने वाले लोगों की बातों का तिरस्कार करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि आप उन सबको अपने से अलग कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेसी चाहते हैं या किसी भी कारण थोड़ा अलगाव चाहते हैं, तो भी आप अपने दोस्तों और परिवार से जुड़े रहें और उनकी देखभाल और सराहना जरूर करें। दोस्तों, लॉ नंबर 19 को ध्यान में रखकर अगर आप अपना जीवन व्यतीत करते हैं, तो आप बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। लॉ नंबर 19 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि जानिए आप किस से डील कर रहे हैं, गलत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए। दोस्तों, दुनिया में बहुत से प्रकार के लोग होते, सबका व्यवहार अलग होता है और प्रत्येक व्यक्ति आपकी बातों पर अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया करता है। अगर आप किसी को धोखा देते हैं या नुकसान पहुंचाते हैं, तो वो आपको सारी उम्र आपसे बदला लेने कोशिश करता रहेगा। कई लोग भेड़ के वेश में भेड़िया होते हैं, इसलिए हम अपने शिकार और प्रतियोगियों को ध्यानपूर्वक पहचानना चाहिए और कभी गलत व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। आप अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति से कभी किसी को समझाने की कोशिश ना करें। आप किसी भी व्यक्ति का चेहरा या बाहरी दिखावट देखकर उस पर यकीन ना करें। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी भी बात के लिए मना करना चाहते हैं, तो विनम्रता और आदर से करें। किसी का अपमान ना करें, क्योंकि आप नहीं जानते कि सामने वाला कितना शक्तिशाली है। अपमान करने से लोग नाराज हो सकते हैं और आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। कुछ लोग सामने वाले व्यक्ति को कमजोर समझकर उसका अपमान कर देते हैं। ऐसा करना गलत है, क्योंकि बाद में वो शक्तिशाली बन सकता है और आपको नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप किस से डील कर रहे हैं, ताकि आप किसी गलत व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचा। किसी से कमिटमेंट यानी पक्का वादा ना करें। जी हां, यही रॉबर्ट ग्रीन का 20वां लॉ है। दोस्तों, लॉ नंबर 20 यह कहता है कि आप किसी से कोई कमिटमेंट यानी पक्का वादा ना करें, क्योंकि जब आप किसी से कोई वादा करते हैं, तो आप उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध हो जाते हैं। जिससे आप कमिटमेंट करते हैं, आपका नियंत्रण उसके हाथ में चला जाता है। आपको अपनी छवि मजबूत बनानी चाहिए, ताकि लोग खुद आपसे संपर्क करने की कोशिश करें। एलसीबीएडीज, जो कि एक ग्रीक राजनेता और योद्धा थे, एथेनियंस और स्पार्टन्स उसका खास ध्यान रखते थे, क्योंकि पर्शियंस उससे बहुत प्रभावित थे। पर्शियंस उसका आदर करते थे, क्योंकि ग्रीस के लोग उससे प्रभावित थे। एलसीबीएडीज ने किसी से कमिटमेंट नहीं की थी, बल्कि सभी को प्रभावित किया हुआ था, जिससे लोग उसका आदर और सम्मान करते थे। किसी से कमिटमेंट करने का मतलब है अपने आप को उनके हवाले कर दें। ऐसा करने से आपका कर्तव्य बढ़ जाता है और खुद पर नियंत्रण कम हो जाता है। इसलिए दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप किसी से कभी भी कोई पक्का वादा ना करें और खुद की एक मजबूत छवि बनाने की कोशिश करें, ताकि आप खुद पर नियंत्रण रख सकें और लोग अपने काम के लिए खुद आपसे संपर्क करें। दोस्तों, लॉ नंबर 21 में रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि लोगों को उन्हीं की तरह बनकर फंसाएं, अपने प्रतियोगी से मूर्ख दिखें। दोस्तों, दूसरों के सामने कोई भी मूर्ख नहीं दिखना चाहता। रॉबर्ट ग्रीन हमें लॉ 21 में बताते हैं कि आप अपने प्रतियोगी को हमेशा होशियार समझने का मौका दें। सिर्फ होशियार ही नहीं, बल्कि आपसे अधिक होशियार। एक बार आपके प्रतियोगियों को यकीन हो जाए कि वो आपसे अधिक स्मार्ट हैं, तो उन्हें कभी नहीं लगेगा
कि आपका कोई गुप्त उद्देश्य है। अपने प्रतिद्वंदी को मिसगाइड करना यानी अपने उद्देश्य से बहकाना एक बहुत अच्छी तरकीब है। अपने प्रतियोगियों के सामने बेवकूफ बनकर रहें और उन्हें यह दिखाएं जैसे आप कुछ नहीं जानते। ऐसा करने से लोग आपको अपने बारे में खुद बताएंगे, क्योंकि आज के युग में प्रत्येक व्यक्ति अपने बारे में दूसरों को बताना चाहता है। इससे लोग आप पर शक नहीं करेंगे और यह नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप अपने बारे में किसी को भी पहली मुलाकात में सब कुछ ना बताएं। ऐसा करना आपके लिए बेवकूफी साबित हो सकता है। याद रखिए, लॉ 3 में बताया गया है कि अपने इरादों को छुपाएं और लॉ 4 कहता है कि जरूरत से कम बोलें। जब आप लोगों को यह महसूस कराएंगे कि वो आपसे ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, तो वो आप पर शक नहीं करेंगे और इस तरह उनके सुरक्षा कवच को तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप अपने बारे में ना बताकर उनके बारे में ज्यादा जान पाएंगे और इस जानकारी को बाद में उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं लॉ नंबर 22 के बारे में। लॉ नंबर 22 में रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि आत्मसमर्पण की युक्ति का इस्तेमाल करें, अपनी कमजोरी को ताकत बनाएं। जब आप कमजोर हों तो आप अपने स्वाभिमान के लिए लड़े नहीं बल्कि आत्मसमर्पण कर दें। आत्मसमर्पण करने से आपको अपनी ताकत जुटाने का वक्त मिलेगा और आप फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आप कमजोरी की अवस्था में लड़ेंगे तो आपका दुश्मन आप पर जीत हासिल करेगा और संतुष्ट हो जाएगा। इससे पहले कि आप हार जाएं, आप आत्मसमर्पण करें, क्योंकि ऐसा करने पर आप दुश्मन तक पहुंच पाएंगे और उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। जब एथेनियंस और मेलेनियास मेलोस के टापू के लिए जंग लड़ रहे थे तो मेलियंस की ताकत कमजोर पड़ गई और एथेनियंस ने उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन मेलियंस इस बात के लिए राजी नहीं हुए। मेलियंस को उम्मीद थी स्पार्टन्स उनकी जंग में मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वे अपने सम्मान के लिए लड़ते रहे और जब वे जीत नहीं पाए तो उन्होंने अपना समर्पण कर दिया। एथेनियंस ने सभी मेलेनियन सैनिकों को मार दिया और उनकी औरतों और बच्चों को गुलाम बना लिया। अगर मेलियंस पहले ही आत्मसमर्पण कर देते तो वे मारे ना जाते और गुलाम नहीं बनाए जाते। वह चालाकी से एथेनियंस को नुकसान पहुंचा सकते थे और उन पर जीत हासिल कर सकते। दोस्तों, हमें कभी भी कमजोरी की अवस्था में लड़ना नहीं चाहिए, बल्कि आत्मसमर्पण करके अपने आप को तैयार करना चाहिए, फिर चाहे वह जंग का मैदान हो या रोजमर्रा की जिंदगी। आत्मसमर्पण करके हम अपनी कमजोरी को ताकत में बदल सकते हैं। अपनी शक्तियों को केंद्रित करें। जी हाँ, यही रॉबर्ट ग्रीन का 23वां लॉ है। दोस्तों, अगर आपका ध्यान एक लक्ष्य पर नहीं है तो यह लॉ खास तौर पर आपके लिए है। कुछ लोगों को अपना ध्यान एक काम पर लगाने में मुश्किल होती है। जब भी वह अपना ध्यान किसी एक काम में लगाने की कोशिश करते हैं तो सैकड़ों और चीजें उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करती। आधुनिक युग में संघर्ष का स्तर पहले से कहीं ज्यादा है और आप उसे अपने जीवन में स्थान देते हैं। यही गलती एथेनियंस ने की थी जब वो सिसिली के टापू पर कब्जा करने के चक्कर में अपना सारा साम्राज्य गंवा बैठे। रोमन्स ने भी ऐसा ही किया था जब उन्होंने अपने आसपास के राज्यों पर कब्जा करने की कोशिश की और बारबेरियन जनजाति के हमले करने पर अपना राज्य भी हार गए। अगर आपका राज्य बड़ा है तो उसे सुरक्षा भी बड़ी चाहिए। इसका समाधान यह है कि हमें अपने विचारों और कार्यों को केंद्रित करना चाहिए और अपना सारा ध्यान एक दिशा में लगाना चाहिए। कुछ लोग बार बार अपने कार्य के क्षेत्र को बदलते रहते हैं, जिससे उन्हें किसी भी क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती। इससे बेहतर ये है कि किसी एक क्षेत्र में ध्यान लगाएं जो आपकी रुचि और काबिलियत के मुताबिक सबसे अच्छा हो और उसी क्षेत्र में लगातार मेहनत करें। ऐसा करने से आपकी सारी ताकत और ऊर्जा एक ही कार्य में केंद्रित होगी और आप सफलता की सीढ़ी पर सर चढ़ते जाएंगे। दोस्तों, शक्तिशाली बनने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी सारी ऊर्जा और ताकत एक ही कार्य क्षेत्र में लगाएं, तभी आप जीवन में अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे और कामयाब हो पाएंगे। दोस्तों, रॉबर्ट ग्रीन ने अपने 24वें लॉ में लिखा है कि एक कुशल दरबारी की भूमिका निभाएं। दोस्तों, एक कुशल दरबारी ही
ऐसे युग में कामयाब होता है जहां सब कुछ शक्ति और राजनीतिज्ञ निपुणता पर निर्भर करता है। वह किसी भी कार्य को अप्रत्यक्ष रूप से करने की कला को जानता है। एक कुशल दरबारी अपने से ऊपर वालों की खुशामद करता है, उनकी हर बात पर विनम्रता से राजी होता है और अप्रत्यक्ष रूप से उन पर अपना हक भी जमाता है। तो चलिए मैं आपको लॉ 24 का एक उदाहरण देता हूँ। चार्ल्स मॉरिस, जो कि फ्रांस के एक बहुत महान राजनीतिज्ञ और कूटनीतिज्ञ थे, चार्ल्स ने कुछ समय तक नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि फ्रांस के एक बहुत बड़े योद्धा और राजनेता थे, उनके दरबार में बतौर दरबारी और विदेश मंत्री का काम किया था। नेपोलियन ज्यादातर सभी बड़े फैसले खुद ही लेते थे और चार्ल्स को उन्होंने बहुत कम जिम्मेदारी दी हुई थी। चार्ल्स नेपोलियन के काम में कभी दखलअंदाजी नहीं करते और उनके हर फैसले को मंजूर करते थे। नेपोलियन के गलत फैसलों में भी वो दखलअंदाजी नहीं करते थे। चार्ल्स एक चतुर दरबारी की तरह काम करते थे और नेपोलियन को हमेशा अच्छी सलाह देते थे। लेकिन जब नेपोलियन ने जीते हुए राज्यों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया तो चार्ल्स ने उनकी समर्थन नहीं किया और विदेश मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह चार्ल्स ने एक चतुर दरबारी की भूमिका निभाई। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चार्ल्स ही बाद में नेपोलियन बोनापार्ट और उसके राज्य के पतन का कारण बने। अगर आप कोर्टशिप के लॉज को अमल में लाना सीख लें तो इस बात की कोई सीमा नहीं कि आप जीवन में कितना आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको रॉबर्ट ग्रीन के अभी तक के ये लॉज पसंद आए तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए ताकि हमें प्रोत्साहन मिले, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सभी 48 लॉज के बारे में जान सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका समय शुभ हो।